I'm Minister, and in the UT of Jammu and Kashmir, it is being launched. Today, as we all know, is a historic day. Last year, the entire world, they lost their loved and dear ones. It was a big challenge, heard of before. And how we managed patients, COVID pandemic, we did not have a single lab where RTP notified. 22,000 isolation beds were set up, 150 ICU beds were created. मैं बिल्कुल आपके सामने फिट हूँ और मैंने इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि हमने कोरोना काल में काम किया तो उसका फल हमें आज मिला। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई डर नहीं है इसमें, इंजेक्शन लगवाने में कोई डर नहीं है। उनको खुले दिल से लगवाना चाहिए इंजेक्शन। आगे बिल्ड फोर स्टाफ है, इन्होंने सब ने कोरोना वायरस में बहुत काम किया, तो इसलिए इनको ये इंजेक्शन भी लगवाने चाहिए। सर, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। जब हम टेस्ट करते थे कोविड लैब में, तो हमारे स्टाफ करता था टेस्ट, जो हमारे टेक्नीशियन, हमारे डॉक्टर जब टेस्ट करते थे, तो हमें यही होता था कि अब आज हम लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी कभी न कभी पॉजिटिव हुआ, हम भी पॉजिटिव हुए बीच में। तो फिर ये था कि अब पॉजिटिव हो गए, रीऑपरेशन हो, वापस ना पॉजिटिव हो जाए कहीं। अगर पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा, क्योंकि लोगों को हम देते थे, कितने लोगों की जान चली गई है। तो ये वैक्सीन एक होप लेके आई थी, हमें भी होप थी कि आएगी कभी ना कभी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे साइंटिस्ट ने जो ये वैक्सीन बना के भेजी है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और उन साइंटिस्टों का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये हमें वैक्सीन दी है। और आज मैंने इसकी पहली डोज ली है। डरने की इसमें कोई बात नहीं है सर, ये वैक्सीन करवानी चाहिए, ज़रूरी है वैक्सीन, तो ये ज़रूरी लगवानी चाहिए वैक्सीन। इस वैक्सीन से आप भी बचोगे, आपके आगे जो लोग हैं वो भी बचेंगे, देश का भला होगा, देश में शांति आएगी। जन स्वास्थ्य के लिए काम किया है, मैं समझता हूँ वह किसी तपस्या से कम नहीं है। एक बड़ा लंबा दौर था जब दूर दूर तक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ती थी, तब भी अपने स्वास्थ्य, अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से आप सबने जो काम किया है, उसकी सराहना के लिए मुझे लगता है शब्द छोटे पड़ जाएंगे। शुरुआती दिनों की चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की है, मैं उस तकनीकी विवरण में जाने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन आप सबके जज्बे, त्याग और सेवा भावना से ही जम्मू कश्मीर के लोग इस संकट से बाहर निकल सके हैं, इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार हृदय से साधुवाद देता हूं। अब जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, मुझे लगता है कि प्री पैंडमिक और पोस्ट पैंडमिक, ये दोनों बातें जरूर आने वाले दिनों में लिखी जाएंगी। और यह भी कहा जाएगा कि मानवता की सर्वोच्च सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने जो काम किया, वह निश्चित रूप से सराहनीय नहीं है, बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन निर्णायक है, इस लड़ाई का निर्णायक दिन मैं कहूं, और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है, तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है, टुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। तैयारी हमारी पूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिनको टीका लगेगा वो ये न मान लें कि टीका लगने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे टीके के 14 दिन बाद तब आप ये मान सकते हैं कि नहीं, अब हम खतरे के बाहर हैं, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। बीच में जो SOPs बनाई गई, जो सावधानियां बरतने को कही गई हैं, मैं समझता हूं ये हमें टीकाकरण के बाद भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने, या एक सामान्य
भाषा हो गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुझे लगता है कि दवाई के बाद भी 45 दिन तक ढिलाई नहीं बरतनी है, ये निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रखने की जरूरत है। पूरी बात हो गई है, प्रधानमंत्री जी कुछ समय में आने वाले हैं। 26 मीटिंगें अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के हेल्थ से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की है, और मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा महीना रहा होगा पिछले 11 महीने में जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयं एक बार या दो बार इस तरह की पहल उन्होंने नहीं की है। मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए गर्व का विषय है, देश के वैज्ञानिकों और जिन लोगों ने ये वैक्सीन निकाली है, मुझे लगता है कि पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। जितने कम समय में, क्योंकि संकट के समय में सामान्य रूप से वैक्सीन विकसित करना एक दूसरी बात होती है, लेकिन जब एक संकट हमारे सामने है उस समय कठिन परिश्रम करके देश में एक विश्वास, आत्मविश्वास पैदा करना और दुनिया का सबसे सस्ता टीका ईजाद करना, मैं समझता हूं ये भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता है और यह देश निश्चित रूप से उनका ऋणी होगा। जब भी कोई अभियान शुरू होता है, आप जानते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, आने वाले दिनों में भी अनेक बाधाएं आएंगी, इसलिए यहां जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोग कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जो भी रेगुलेटरी टेस्ट हो सकते हैं, दुनिया के कड़े मानदंडों के आधार पर यह टीका विकसित हुआ है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, यह टीका दुनिया के किसी टीके से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा सस्ता है, और इसलिए हमें किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है।